students, how are you with them? I hope you all are fine. Today, we will proceed our chapter number 5, Animal Kingdom. In previous topic, we have discussed about animals, their eating habits, their movement, all those were discussed in our previous class. Today, we will discuss about how do animals eat. So, animals hote hain, wo apna bhojan grahan kaise karte hain, kaise khate hain wo. Theek hai, beta, you know that different animals eat different type of food. So, animals hote hain, unka jo khana hota hai, wo different animals mein different type ka hota hai. Har koi animal ek jaisa khana to nahi khata hai, sabka apna alag hota hai. So, according to that, unka jo mouth ka structure hota hai, mouth mein jo teeth hote hain, wo bhi different types ke hote hain. In previous class, we have discussed about herbivorous animals and carnivorous animals. Today, we will discuss about their teeth. Ki in animals mein, teeth jo hote hain, wo different kaise type ke hote hain. Herbivorous animals like cow, goat. Herbivorous animals kaun se hote beta? Those animals which eat grass, plant or their parts. Okay? So cow, goat, jo herbivorous animals hote hain, unki jo teeth hote hain, sharp and broad teeth. It means herbivorous animals ke jo teeth hote hain, wo sharp hote hain aur broad, yani chode hote hain, which help them to swallow their food. Jab herbivorous animals khana khate hain, to wo seedha us khane ko nigal jate hain. After some time, कभी आपने देखा हो बेटा जैसे भैंस है, काउ है, वो जब बैठते हैं तो उनका मुंह चलता रहता है, तो वो क्या करते हैं उस टाइम जो खाना उन्होंने खाया होता है उसी खाने को अपने मुंह में वापस लेकर के आते हैं और उस खाने को दोबारा से चबाते हैं. किससे चबाते हैं, कौन से टीथ से चबाते हैं? दे स्वैलो देयर फूड एंड दे च्यू देयर फूड विद ग्राइंडिंग टीथ. जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं यानी जो उनकी जाड़ जैसी होती है, उनके सहारे वो उस खाने को चबाते हैं और फिर वो खाना उनके पेट में जाता है. After that, carnivorous animals are those animals which eat flesh of other animals like lion and tiger. यानी वो animals जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं दूसरे animals का. तो जब वो मीट या मांस खाते हैं तो बेटा उनके जो टीथ होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना शिकार खुद करते हैं, तो उनके जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ऐसे टीथ होते हैं उनके शार्प पॉइंटेड स्लाइटली कर्व्ड टीथ. शार्प होते हैं, पॉइंटेड यानी नुकीले होते हैं और हल्के से मुड़े हुए भी होते हैं. ठीक है, दे टीयर फ्लैश. कौन से टीथ? जो उनके शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं और कर्व्ड टीथ होते हैं, उन्हीं की हेल्प से वो अपना शिकार कर पाते हैं, उसी की वजह से वो अपने फ्लैश को फाड़ पाते हैं. स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू चू द बोन्स. जो उनके ग्राइंडिंग टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. क्यों? क्योंकि वो फ्लैश खाने के किसी मरे हुए जानवर को खाते हैं, तो उनकी जो बोन्स है वो हार्ड होती है, बेटा स्ट्रॉन्ग होती है. तो उनको चबाने के लिए उनकी जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं वो भी कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, आफ्टर दैट स्क्वायरल एंड रैबिट्स हैव शार्प फ्रंट टीथ. जो स्क्वायरल होता है, गिलहरी होती है, रैबिट होते हैं, उनके जो सामने के टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं. जैसे किसी बीट को अगर उनको खाना है तो वो अपने फ्रंट टीथ से खाते हैं. उनके कौन से टीथ हेल्प करते हैं? फ्रंट टीथ यानी सामने के टीथ. फ्रॉग लिजर्ड. अब जो फ्रॉग और लिजर्ड होते हैं उनके कैसे होते हैं? इनकी जो टंग होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है, लॉन्ग स्टिकी टंग. इट मीन्स कि उनकी जो जीभ होती है वो लंबी होती है, स्टिकी. कैसे होती है? चिपचिपी. जब उनको कोई शिकार करना होता है, इसलिए जब उनको कोई इंसेक्ट खानी है तो वो अपनी टंग को बाहर निकालते हैं और उस, क्योंकि वो टंग कैसे होती है? स्टिकी होती है, तो वो जो इंसेक्ट होता है उस टंग में क्या हो जाता है? चिपक जाता है, तो वो अपने पेट में उसको ले जाते हैं. ओके बेटा, नाउ आवर डिफरेंट टेल ऑफ एनिमल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टेल्स ऑफ एनिमल्स. यू ऑल नो दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेल्स एंड देयर ब्रशेस आर आल्सो डिफरेंट. जो उनकी टेल होती है, पूंछ होती है जानवरों में, उनका भी अपना अलग एक यूज होता है. कैसे यूज करते हैं वो एनिमल्स अपने टेल्स का? देखो, जैसे जो फिश
स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, और जब उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो भी वो अपनी टेल के हेल्प से निकलवाती है। कंगारू होता है, कंगारू होता है टू मेंटेन इट्स बैलेंस। कंगारू लूजेस इट्स टेल टू मेंटेन इट्स बैलेंस। जब कंगारू खड़ा होता है तो अपने टेल की हेल्प से भी खड़ा हो पाता है, अपना बैलेंस मेंटेन कर पाता है। पीको, पीको की जो टेल होती है आपने देखा होगा कहीं पे भी, आपने घर की छत पे देखा होगा या कहीं देखा होगा कि मोर भी डांस करता है, पीको डांस करता है तो वो अपने पंख फैलाता है। तो वो अपने पंख किस चीज के लिए यूज करता है, अपनी जो टेल होती है उसकी पूंछ होती है वो किस लिए यूज करता है, वो डांस करने के लिए। ओके, जॉय, जॉय क्या करता है, जो कंगारू होते हैं उसका जो बेबी होता है उसको हम जॉय बोलते हैं, ठीक है। जब वो पैदा होता है व्हेन इट्स बोर्न, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है और जो उसका वेट होता है यानी वजन होता है वो 1 ग्राम से भी कम होता है, ठीक है। After that, we will discuss about extinct animals. Extinct animals means those animals which are not more. यानी वो animals जो हजारों वर्ष पूर्व तो थे हमारी धरती पर लेकिन अभी नहीं है हमारी दुनिया में, अब वो नहीं है, उनकी प्रजाति जो है वो लुप्त हो गई है। Extinct means लुप्त होना, यानी पहले वो present थे लेकिन अब वो धरती पे नहीं है, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, डूडू, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो पहले तो थे लेकिन अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? इसके भी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं, क्या वो उनकी सराउंडिंग उनको सूट नहीं करी होगी या कुछ भी रीजन रहा है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग भी कुछ एक्टिविटी ऐसे करते हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। इसकी वजह